अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी विल डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग साइट लेआउट, यानी साइट लेआउट पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स या अवामिल। पहला फैक्टर है काम की नौइयत, यानी नेचर ऑफ वर्क। इससे मुराद है मंसूबे की नौइयत को हम देखते हुए साइट लेआउट को तैयार करते हैं। मसलन अगर एक शॉपिंग प्लाजा, एक कमर्शियल बिल्डिंग है, तो इसका एक साइट लेआउट जो है वो अलग तरीकेकार का होगा, जबकि अगर एक ब्रिज है या एक डैम है तो उसका साइट लेआउट बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसमें मंसूबे में इस्तेमाल होने वाली चीजें, लेबर, टूल, मशीनरी, इक्विपमेंट, हर एक जो है वो अपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, प्रोजेक्ट की किस्म के हिसाब से अलग अलग होता है। दूसरा फैक्टर है लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट की जाए वकू, महले वकू। इसमें होता यह है कि जो प्रोजेक्ट की लोकेशन होती है वो साइट लेआउट के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालती है। अगर प्रोजेक्ट जो है वो प्लेन अर्थ के ऊपर, यानी हमवार जमीन पर है, तो उसका तरीकेकार कुछ और होगा, लेकिन अगर यही प्रोजेक्ट आपका पहाड़ी इलाकों पर है तो इसका तरीकेकार लेआउट बनाने का कुछ और होगा। तो ये जो लोकेशन है प्रोजेक्ट की, साइट्स कितनी दूर है शहर से, सामान की तरसील में क्या क्या प्रॉब्लम्स दरपेश हो सकती हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तीसरा फैक्टर है मेथड, टाइप एंड कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब ये कि तर्ज तामीर किस तरह की है। जो छोटी इमारतें हैं उसमें रिवायती टूल मशीनरी इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जबकि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरी प्लाजाज हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर काफ़ी जो हैवी मशीनरी होती है, अर्थ मूविंग मशीनरी, टावर क्रेन, जर्नल क्रेन और जो दीगर भारी मशीनरी होती है वो सब कुछ इस्तेमाल की जाती है। इसमें एक बात काबिल जिक्र है कि जो लंबाई में प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, रोड्स, नहरें, इनका लेआउट का तरीकेकार काफ़ी मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे किलोमीटर्स के ऊपर फैले हुए होते हैं प्रोजेक्ट्स। चौथा फैक्टर है लेबर की फराहमी या दस्तियाबी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली लेबर अगर लोकल लेबर होगी तो उसके लिए रिहाइश का इंतजाम करने का कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर मुकामी लेबर मयसर नहीं है, दूर से लेबर ला रहे हैं, तो साइट मैस की फुल खसूसियात और पूरी सहूलियात मौजूद होना चाहिए। मसलन रहने की जगह, खाने पीने की जगह, टॉयलेट्स और दीगर जो सहूलियात लोगों के रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सब प्रोवाइड की जाती हैं। पाँचवा फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ टूल मशीनरी इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रेती, बजरी, क्रश, सीमेंट और टूल मशीनरी इक्विपमेंट अगर मकामी तौर के ऊपर दस्तयाब हैं तो ये बड़ी आसानी रहती है, वरना दूर दराज इलाकों से इनको ले जाना, तो प्रोजेक्ट के लेआउट के अंदर एक ये बेसिक फैक्टर होता है कि टूल मशीनरी इक्विपमेंट अगर लोकल है तो आसानी रहेगी, लेकिन दूर से ला रहे हैं तो उसके लिए तमाम इंतजाम करने होंगे। छठे नंबर पर होते हैं मुतफर्रिक अवामिल, यानी मिसलेनियस फैक्टर्स। किसी भी प्रोजेक्ट का साइट लेआउट तैयार करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वहाँ तिब्बी सहूलियात मौजूद हों, बिजली, गैस, पानी हो, ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें लेबर के लिए अवेलेबल हों, और अगर लेबर फैमिली के साथ रहे हैं तो उनके लिए स्कूल, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सालों चल रहे होते हैं, और कुछ पब्लिक हेल्थ की सप्लाईज़ और एमिनिटीज़ वगैरह, ये सारी सहूलियात का होना ज़रूरी है।